मैं सर को आज अपने गार्डन पे घुमा रहा हूँ, क्योंकि सर गार्डन टूर। गार्डन टूर मेरे से सर 3 दिन से बोले थे कि गार्डन पे चलेंगे चलेंगे, आज सर खुद ही चले आए। मैं हमें बिल्कुल ऐसा लगा है जैसे हम घर में रह रहे हैं और हर चीज़ में सुविधाएं हैं यहाँ पर ना। और इनका एक नमक का भी है, क्या कौन सा नमक है? पिसा हुआ नमक है जो हमने आपको वीडियो में भी डाला हुआ है। नमक है इनका, वो भी हमने डाला हुआ है वीडियो में, आप देख लीजिएगा। और कभी आप मंगाना चाहें तो ये लोग भेज भी देते हैं, आप लोग ना भेज देते हैं आप लोग एड्रेस, फोन वन नंबर हम सब इनका डाल देंगे आपके इसमें, फिर आप वो नमक भी बहुत टेस्टी है। हाँ सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आपने देखा दिनेश का बगीचा दिखाते दिखाते मेरे आईफोन की बैटरी डाउन हो गई और मुझे अब सोनी कैमरा का यूज़ करना पड़ेगा। तो गिम्बल इसका मैं घर पे ही वहीं रूम पे होम स्टे पे भूल आया हूँ, गिम्बल मैं साथ लेके नहीं आया। गिम्बल वो चीज़ है जिससे कि सोनी कैमराज की फुटेजेस हिलती नहीं है, स्टेबलाइज करता है उसको, लेकिन गिम्बल मेरे पास नहीं है तो इसमें फुटेजेस ज़रूर हिलेंगी, तो पार्डन मी फॉर दैट। इसके अलावा आपको मौका मिलेगा आईफोन की फुटेज और सोनी GV1 की फुटेज को कंपेयर करने का। आप कमेंट में बताइए आपको सोनी की फुटेज ज़्यादा अच्छी लगी है या आईफोन की जो पिछले वीडियोस में थी। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं सोनी ZV-1 कैमरा के साथ। थोड़ी बहुत हिलेगी फुटेज क्योंकि इसमें स्टेबलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है, इसमें गिम्बल ज़रूर ही इसके साथ यूज़ करनी पड़ती है जो कि मैं भुलाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की और इसके बाद हमें निकलना भी है यहाँ से। नींबू के पेड़ में आप देखिए कांटे, बहुत जबरदस्त कांटा है, कांटे में गुलाब भी होता है। हाँ, कांटे में गुलाब भी होता है। हाँ, वैसे कांटे में नींबू बहुत अच्छा। और ये यहाँ का व्यू, ये गार्डन है दिनेश भाई का, यहाँ पे ये थोड़ा बहुत टूरिस्ट के लिए डेवलप भी करेंगे कह रहे हैं ये, हालांकि रूम बनाए हुए एक दो बट ये कह रहे हैं और भी बनाएंगे। मुझे नींबू के पेड़ से भी बचना है, पीछे कांटे हैं उसमें, और ये व्यू को शूट भी करना है। मैं सर को आज अपने गार्डन पे घुमा रहा हूँ क्योंकि गार्डन टूर। हाँ, गार्डन टूर मेरे से सर 3 दिन से बोले थे कि गार्डन पे चलेंगे चलेंगे, आज सर खुद ही चले आए, सर खुद ही आवाज़ लगा के। ये थोड़ा हिचकते हैं कि किसी को उठाया जाए सुबह सुबह। हाँ, इनको नहीं पता मैं 5 बजे उठ गया था। मैंने कहा डिस्टर्ब करना खाली बेकार होता है। हाँ, वही वही यही सोच के फिर निकल आए थे। हाँ, लेकिन मैंने इनको यहाँ पकड़ लिया है। अच्छा, ये है आपका रूम है ना? हाँ जी, ये रूम है, उधर वो सामने है ना? हाँ जी, ये नीचे हमारा होम स्टे भी है, शॉप भी है, इस पर मेरी शॉप भी है, होम स्टे भी है, और 2 रूम से यहाँ बना के अभी मैं आपको दिखाऊंगा सर, 2 रूम हमारे पास यहाँ भी। ये वो जगह है होम स्टे है ना? हाँ जी, ये ना? हाँ जी, हाँ, होम स्टे हमारा घर जहाँ से हम आए। हाँ, और इनके घर भी वहीं। तो ये मैं सोनी कैमरा से ताकि सिनेमेटिक कुछ लेने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस, हालांकि सन जो बिल्कुल टॉप पे हमारे सामने है, सूर्यदेव, और ये खूबसूरत, और सूर्योदय के समय भी सुंदर लगता है, सूर्य अस्त की भी समय यहाँ हमारे गार्डन से, सूर्य अस्त का और भी ज़्यादा खूबसूरत, और ज़्यादा खूबसूरत। ये पीछे जो पहाड़ी है यहाँ से जब अस्त होता है तो धीरे धीरे बहुत अच्छा। मेरे पास सर ये है, मैं इसका नाम अभी भूल चुका हूँ। अच्छा, कोई बात मुझे पुदीना है ये। अच्छा, हाँ जी, ये पुदीना है हमारा ऑर्गेनिक पुदीना, इसकी चटनी बनती है बहुत टेस्ट, नींबू जैसे नींबू मिला लिया, भांग मिला लिया, बहुत अच्छी इसकी चटनी बनती है, ऑर्गेनिक है ये। ऊपर टॉप पे ये हमारा मंदिर है सर, जो भूमिया देवता का मंदिर है ऊपर हमारे टॉप पे। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा मंदिर है ऊपर ट्रैकिंग का रास्ता। और ये यहाँ का व्यू है, वैली व्यू, ऊपर से थोड़ा सा चढ़ के हम ऊपर की तरफ आ गए ताकि हमें व्यू मिल सके। सूर्योदय इस साइड से हो रहा सर। हाँ, और सूर्यास्त उस साइड होगा, इस साइड सनसेट होता है, तो सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है इसके पीछे सनसेट होता है। सर आइए इधर से चलते हैं, थोड़ा अभी लेट भी हो रहा। हाँ, चलते हैं। हाँ जी, ठीक है। हाउ डीप दिस वैली इज और हाउ ब्यूटीफुल दीज आडूज आर। आड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आड़ूओं को पीच। दिनेश को लेट हो रहा है, शॉप खोलनी है तो इसलिए अब चलते हैं। सर को मैं ये रास्ते ये तार से बाहर निकलवाऊंगा, नीचे से छिड़के निकलना पड़ेगा हमें। चलिए, तारों के रास्ते पे निकलेंगे सर, ऊपर से तार फंस रहा आपके। हाँ, निकल चुका है। बिल्कुल, अरे फंस
ये सर बाहर चले जा चुके हैं, तार से निकल आए, अब दिनेश निकलेंगे, आ जाओ आप। सर लीजिए कैमरे को पकड़। अच्छा ये तरीका है ना। हाँ फ्लैट हो गए जमीन पे। हाँ फ्लैट हो गए, बस निकल जाओ। ये खोल के ना, हाँ क्योंकि इसकी बैटरी डाउन होगी ना, इसको अंदर ही रख लेते हैं। अभी दूसरे रास्ते से निकलेंगे, चलिए आगे चलिए। हमारे हाँ दोनों मिलके एक जगह आ जाते हैं, यहाँ पर से ऊपर गांव का हो गया रास्ता ये वाला। हाँ जी बहुत सुंदर है ये गांव, ये रास्ते। फस गए डालेंगे तो यही वाला गाना डालना, कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में, डाल देंगे। उसमें दीदी भी होनी चाहिए, आप भी। तो दीदी जो है नहीं, रील यही बननी चाहिए थी। हाँ उससे आया नहीं जाएगा। नहीं तो परसों यहाँ आ गए हो, आए थे यहाँ। हाँ हाँ उनने बताया इस रास्ते से आए होंगे। ना ना ये रास्ते से नहीं, जहाँ से आप चढ़े ऊपर वही से। हाँ जहाँ मेरे रूम से है वहाँ तक आए थे वो। अरे रूम तो रह गए ना ना, यहाँ से चल रहे रूम पे। मैं आपको रूम तो ऊपर, इसके ऊपर एक ये जो पहाड़ी के टॉप पे है एक पत्थर नुमा घोड़ा घोड़ा है। अच्छा हाँ, जो हमारे गोलू जैसे गोलू देवता, गोलू देवता जैसे, हाँ। उनके उनका घोड़ा वहाँ ऊपर है इस पे, ये पहाड़ी के टॉप पे। अच्छा अच्छा हाँ, तो आप तो कभी कभी जाते होगे वहाँ। हाँ मैं अभी तक मेरा जाना नहीं हुआ है, मम्मी लोग बताते हैं। अच्छा आप लोग नहीं गए। हाँ वैसे मैं मंदिर गया हुआ हूँ, मंदिर तक गए। हाँ लेकिन जो मैंने वीडियो में एक भैया की वीडियो में देखा तो बहुत अच्छा घोड़ा, बिल्कुल घोड़ा नमा पत्थर। अच्छा हाँ जी, उसकी पूजा घोड़े की शेप का। हाँ उसको उसकी पूजा की जाती है। अच्छा बहुत लंबा चौड़ा है यहाँ, टूरिस्ट आराम से थोड़ा सा। यहाँ से निकलेंगे हम अभी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मैं तो निकल जाऊँगा, सर को थोड़ा प्रॉब्लम होगी निकलने पे। सब्सक्राइबर्स हैं या ऑडियंस है या जनरल पब्लिक है कि हम लोग बड़े हिल स्टेशन पर जाते हैं और होटल्स में हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, मार्केट में शॉपिंग करते हैं, महंगे होटलों में खाना खाते हैं, लेकिन हमें वो खुशी नहीं मिल पाती क्योंकि वहाँ वही भीड़ भड़क्का मिलती है हमें, वही क्राउड मिलता है जो हमें दिल्ली में महानगरों में मिलता है। हमारा पर्पस हल नहीं होता शांति को प्राप्त, शांति को फील करने का, इस ब्यूटी को देखने का। तो हमें कहाँ जाना चाहिए, थोड़े से कम एक्सप्लोर्ड, लेस एक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन जहाँ पर टूरिज्म है, बेसिक स्ट्रक्चर भी है टूरिज्म का, लेकिन उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी कि टॉप हिल स्टेशन पर है। इसके अलावा ऐसी जगह आने से एक तो हमें ब्यूटी मिलेगी, उसका ब्यूटी को जो अनटच्ड ब्यूटी होती है, ग्रीनरी होती है, उसका हमें दर्शन होगा, वो हम देख सकते हैं, फील करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे लोकल्स की भी हेल्प होगी, जो पैसा हम इतना ज़्यादा वहाँ खर्च करते हैं उससे काफ़ी कम में यहाँ हो जाएगा, साथ में यहाँ के लोकल्स जो हैं उनकी उनके लिए एक बिजनेस बढ़ेगा और ये भी एक अच्छा काम हो जाएगा और थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हो जाएगा, जब पैसा आएगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा। और जो होम स्टेज का कल्चर है ये थोड़ा इसको बूस्ट मिलेगा। तो हमें हमेशा ऐसी जगह आना चाहिए जो थोड़ी सी कम एक्सप्लोर हो और देखने को भी सारा मिलेगा और देखने को वहाँ से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ सब कुछ स्पॉइल कर दिया गया है, बड़े हिल स्टेशन पे ख़राब कर दिया गया है, जितना लोग जहाँ जाएगा वहाँ ख़राब होता है। तो जो अनटच्ड ब्यूटी होती है जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं आप, तो इस बारे में मेरे तो ये ख्याल है, आप भी अपने कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको मेरी बात सही लगी है गलत, या आपके क्या विचार है। थैंक यू। हाँ ये पुलम, ये पुलम, ये नींबू, नींबू का छोटा पौधा, ये छोटा वाला नींबू, ये नाशपाती, नाशपाती और वो भी नई नाशपाती, अभी नए नए फल आए हैं इस बार, पहली बार जो पेड़ पाए, ये फर्स्ट टाइम आया इस पे नाशपाती भी। चलिए इनको लेट हो रहा है, शॉप खोल लिए, अब चलते हैं रूम देख के चलते हैं। हाँ जी 10 साल पहले तो मैं नदी में चले गया नीचे, बकरियाँ मेरी फंस चुकी थी ऊपर पहाड़ी पे, बड़ी मुश्किल से मैं पहाड़ी में ऊपर चढ़ा, फिर वहाँ जब मैं पहुँचा ऊपर तो चढ़ गया, वहाँ पहुँचा मैं बकरियाँ भी भगा दी मैंने नीचे, तो उसके बाद मैं उतरूँ कैसे, मैं ना ऊपर जाने का रास्ता, तो मैंने देखी पहाड़ अजीब से वो। हाँ पहाड़ यहाँ नीचे, आप चढ़ गए ऊपर, मैं तो चढ़ गया चढ़ने को, बड़ी मुश्किल से पकड़ते नीचे को उतरते वक्त कि क्या होगा मैं नीचे कैसे उतरूँ, तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से पकड़ते मैं जब नीचे पहुंचा तब मेरे को ऊपर वाले का भी आशीर्वाद होगा कि नहीं, जंगल भी दिखाई देता है सर यहाँ से, बाघ भी दिखाई देगा इसमें, बाघ भी है। हाँ बाघ भी है जंगल पे, बाघ भालू जंगली जानवर यहाँ से आपको सामने अपनी नग्न आंखों से दिखाई देंगे नेचुरल, सुबह के टाइम पर भी
अच्छा। मैंने सुबह के टाइम पे बहुत बार देख रखे, देखा है बाघ? देखा बिल्कुल बाघ नहीं, तेंदुआ हो, तेंदुआ बाघ ही समझ। अच्छा, उसको बाघ कहते हैं। हाँ जी, ये सामने जंगल में आपको दिखाई देगा, ये जंगल है, ये तो बहुत बड़ा जंगल है। ये वही रिवर है ना? हाँ जी, जहाँ गए थे, जहाँ गए थे ऊपर, पर आप वो सामने से उतर, हाँ वहाँ से उतरे थे हम, ये ऊपर उतर के नीचे फिर वहाँ गए थे। ये जंगल है, पूरा फॉरेस्ट है, इसमें जंगली जानवर हैं सभी प्रकार के। जैसे तेंदुआ है, तेंदुआ अपनी नग्न आंखों से दिखाई देता है। उन्होंने देखा भी हुआ है तेंदुआ, पर इतनी दूर से दिख जाएगा? हाँ, मेरे पास दूरबीन भी है, जब नजदीक से अगर ऐसे जाते वक्त दिखता है तो दूरबीन से आप उससे, अच्छा उससे देख, उससे देख सकते हो आप। मैंने तो कई बार अपनी नग्न आंखों से दिखाई देख रखा है यहाँ से सर। सुबह के टाइम में अभी ये जो सन की किरणें पड़ रही उससे एकदम नहीं दिखाई दे रहा। सुबह के टाइम पर जब सन की किरणें नहीं पड़ती है तब नजरें और आगे तेज। किस तरह देखा था इधर? ये खेतों में सर, नीचे बड़े बड़े खेत इधर दिख जाएगा। हाँ, इधर दिख जाएगा। ये ऊपर है ना थोड़ा सा? हाँ, जंगलों में तो नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, तो ये खेतों में जो इस साइड दिख सकता है। हाँ, सीढ़ी नुमा खेत है यहाँ, मैंने अपनी नग्न आंखों से देख रहा। हाँ, इस साइड अगर वो आ गया घूमता हुआ तो यहाँ दिख जाएगा। यहाँ दिख जाएगा, नेचुरल मिट्टी का आंगन है यहाँ, मिट्टी और पत्थर का मकान है। जैसे आजकल कंक्रीट कंक्रीट का प्रयोग कर रहे हैं, कंक्रीट से ऐसा होता है पानी एक जगह इकट्ठा हो गया पूरा बहाव बह जाएगा, वो बैठेगा नहीं। मिट्टी का ये है, मिट्टी अंदर सोख लेती है पानी को और ठंडक रहेगी, ठंडक रहेगी। और उसके साथ साथ ही ये हमारा सारा मिट्टी और पत्थर का है, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ सर। ये रूम बनाए हुए दिनेश भाई ने ऊपर अपने गार्डन के पास, मिट्टी के जहाँ रह भी सकते हैं, और आप नेचर लवर जो है, एडवेंचर पसंद करने वाले वो रह सकते हैं आराम से। दो रूम है ये सर? हाँ सर, सारा मिट्टी का है ये किनारे पे, तो ये इस पे सीमेंटेज का प्लास्टर व्लास्टर किया हुआ है, और ये मिट्टी का है, और छत पे पन्नी है। हाँ, ऊपर पन्नी, इसपे ऊपर इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ लगाई हुई है, ऊपर से भी पन्नी है इसमें ब्लैक कलर की, उसके ऊपर ऊपर से मिट्टी, मिट्टी के ऊपर से फिर मिट्टी। आके आराम से रुक सकते हैं, थोड़ा बेड बेड का कर दीजिएगा। हाँ, बेडिंग मैंने बेडिंग लगाई हुई थी, बेडिंग मैं अभी घर ले गया हूँ मैं अपना, जहाँ मेरे मेरी शॉप है। अच्छा, वहाँ पे इसको मेथी। अच्छा, सर मेथी दाना है सर, ये हमारे यहीं का नेचुरल ऑर्गेनिक। हमारे पास ये दाल है, मसूर की दाल पहाड़ी, और खाने में बहुत टेस्ट, पूरी उरी में पड़ता है ये। क्या बोलते हैं उसको, अजवाइन? नहीं, अजवाइन नहीं बोलते हैं, मेथी, मेथी 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 का पत्ते अभी भी खुशबू है सर। खुशबू यहाँ तक आ रही है। हाँ देखिए ये सर, खुशबू है और मेथी दाने की भी खुशबू है बहुत। अभी इसको हमने पैकिंग करना है, पैकिंग करके हम अपनी शॉप पे ले जाएंगे कुछ दिनों बाद के टाइम के अनुसार। ये भी मेथी दाने हैं सर, मेथी दाने। हाँ मेथी दाने हैं, देखिए सर नेचुरल मेथी दाना, और टेस्ट खाने में। तो ये आपके खेतों में होता है? बस यहीं। अच्छा, यहीं होता है। हाँ जी, चलिए। अच्छा, इनके रूम भी देख लिए, थोड़ा और डेवलप कर देंगे, उसके बाद ये रहने लायक हो जाएंगे। रहने लायक तो अब भी है, थोड़ा बेड वेड लगा के। हाँ, है। और ये यहाँ से रास्ता है थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं, जो एडवेंचर लवर है, नेचर लवर, उनके लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कुर्सी उर्सी लगा के आराम से बैठ सकते हैं, चेयर लगा दी, यहाँ पे चेयर लगा दी, आराम से ब्यूटी अपना देखते रहे, गार्डन में घूमना है, गार्डन में। चाय वाय का इंतजाम दिनेश कर देंगे, खाने चाय का सबका। मेरी शॉप है, सामने शॉप है, वहाँ से लागे। तो ये हो सकता है बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, जैसे किसी को रहना है तो यहाँ आके रह, अगर बिल्कुल रॉ कोई रहना चाहता है, रॉ जैसे बिल्कुल गांव में रहते हैं, तो ये वही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल उसी नुमा मैंने बनाया हुआ, गांव के हिसाब से, गांव के हिसाब से। हाँ, और आप यहाँ गार्डन के बीच में आराम से स्टे कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नेचर के बीच में, पक्षियों की आवाज़, आप अगर हम चुप हो जाते हैं। चूल्हा भी है यहाँ पे, लकड़ियाँ भी है, जैसे आप लोगों को करिए आप इसका। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये सारी डिटेल्स, दिनेश के फ़ोन नंबर वगैरह, होम स्टेज का नाम, ताकि यहाँ आके आप इनसे कांटेक्ट कर सकें। फ़ोन नंबर इनका, अगर आप रॉ प्रकृति की गोद में रहना चाहते हैं तो ज़रूर आइए आप, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, और ये पूरी हेल्पफुल है, बहुत मेज़बानी बहुत अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी सारा, ये चाय पानी खाने वगैरह का सारा इंतजाम ये ग्लीफुली करेंगे आपके लिए, और आप इंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल नेचर की गोद में। उधर से भी थोड़ा ऊपर आके जहाँ रुके हुए उससे भी अलग है, ये गार्डन के बीच में है, उससे सुंदर। और ये व्यू यहाँ पे, वो रिवर जहाँ गए थे वो भी यहाँ से ऊपर से बिल्कुल क्लियर दिख रही है। तो कंसीडर कीजिएगा, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए और कॉन्टैक्ट कीजिए दिनेश से, इनका फ़ोन नंबर मैंने वहाँ डाला है, और वीडियो के साथ भी स्क्रीन पर मैं नीचे डाल दूँगा। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर।
जहाँ से अभी सन निकला तो यहाँ से चाँद निकलता है इतना सुंदर, धीरे 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 ऊपर 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 आएगा, उसके बाद रात रात तक इधर पहुँच जाएगा। मैं तो एक हफ्ते यहाँ गुजार रखा सर मैंने। अच्छा। हाँ मम्मी लोगों ने, फिर यहाँ थोड़ा ठंड होगी थी अभी ठंड के टाइम पे, तब नीचे चले गए, तब नीचे चले गए वहीं। ये अब आपका टाइम हो गया, नीचे चलते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, आइए, मेरे को भी थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ। बड़े हो जाएंगे तो टमाटर आएंगे ना, एक में आ भी रहे। हाँ छोटा सा, छोटा सा। अच्छा अच्छा, ये मम्मी है, ये मम्मी है मेरी। ऊपर से हमने नमस्ते किया था आपको, गाय की सेवा कर रही है, बछड़ा भी है। ये अभी कुछ दिन पहले इसका बच्चा हुआ है, ये गाय का, मारती नहीं है सर, वो कुछ मांग रही है। जय हो गौ माता, जय हो, रोटी मांग रही है, मैं लेके नहीं आया। अच्छा अभी बच्चा भी हुआ है। हाँ, ये अभी अभी करीब 2 महीने हो रहे इसको, बच्चे को। हाँ जी। तो सुबह शाम करनी पड़ती है, सुबह शाम करनी पड़ती है, दिन में भी मेहनत करनी पड़ती है। आप दूध लेना है या गोबर के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिगर मेहनत के आजकल मेहनत तो जरूरी। हाँ जी, हमारी पहाड़ी गाय है ना, पहाड़ी यही की गाय है सर, पहाड़ी और देसी गाय होती है। बछड़ा हो गया, अब दूध यहीं से हो जाता है, अब दूध यहीं से हो जा रहा, बछड़ा हो गया। थोड़ा ये पीता है, थोड़ा वो इसकी लड़की पीती है। अच्छा, कितनी बड़ी है आपकी बेटी? मेरी 7 महीने की लड़की है सर। 7 महीने की लड़की। मेरा यहाँ कैंपिंग का, अच्छा हाँ ये प्लानिंग है, लेकिन धीरे 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 ये बन गया गौशाला बन गया। लेकिन जहाँ ऐसा बोलते है ना पुराने लोग, जहाँ अगर हमने गाय को बांध दिया जो कमरे पे, तो वो बहुत आगे पहुंचता है, शुभ हो जाती है, शुभ वो जगह शुद्ध हो जाती है, शुद्ध भी हो जाती है, शुभ भी रहेगा, आगे शुभ भी रहेगा। 10 बज गए, फ्रेश हो लिया, मैं अभी नहाया हूँ, और मैडम तो पहले तेरे बैग वैग पैक हो गए सब, अब यहाँ से निकलना है रानी खेत में मझखाली एक जगह, वहाँ चलते हैं, और वहाँ पे एक होम स्टे बुक कराया, उसको चल के देखते हैं कैसा है, कैसी जगह, वीडियोज़ में तो अच्छी लग रही थी। सुबह सुबह उठ के मैं मॉर्निंग में 5:30 नहीं करीब 6 बजे मैं चला गया था इधर, इस साइड ऊपर खेत हैं इनके, नीचे वालों के जो नीचे शॉप है दिनेश, उनके खेत हैं, तो मैं उनका विजिट करने गया था देखने खेत, तो उससे वो मैं आप वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो में देख रहा आप हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा पहाड़ों में खेती किस तरह से होती है, किस तरह से फलों की खेती होती है, स्टेप बाई स्टेप होता है, छोटी जगह में पेड़ लगाए होते हैं, तो वो वीडियो देखेंगे तो आप समझ सकेंगे, तो वो वीडियो देखना आप, तो पहाड़ों में बागवानी, ये खेती, फलों की खेती किस तरह होती है, इस तरफ ऊपर गया था मैं, उनके खेत थे, तो वो देख के आया, सुबह सुबह चला गया था, वहाँ से आ गया, उसको अपने काम में लगा रहा, फिर अब नहा धोके अब ब्रेकफास्ट लग गए, ब्रेकफास्ट करते हैं, और 10 तो बज गए हैं, 10:30 11 तक यहाँ से निकलेंगे। गाड़ी जो बुक की है वो 2500 रुपये हुई है रानी खेत तक के लिए, ये इन्होंने होम स्टे वालों ने, अर्जुन बिस्ट ने, उन्होंने ही करा दिया, वो तो उससे हमें ईजी हो जाएगा थोड़ा सामान वगैरह, हालांकि यहाँ से बस भी जाती है अल्मोड़ा का, वो बिल्कुल यहीं से मिल जाती है। यहाँ का सिस्टम ये है कि जहाँ भी यात्री को उतरना है ना, तो उसका घर जाए वहीं उतारते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्टैंड है वहाँ से उतरो, जहाँ जहाँ जिसका आता जाता है स्टॉपेज वहाँ उतारते जाते हैं, तो ये सिस्टम भी बहुत बढ़िया है यहाँ, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, और जो हम काठगोदाम से यहाँ आए थे, हल्द्वानी से आए थे, तो उसका चार्ज किया था उन्होंने 2000 रुपये यहाँ तक का, और अब यहाँ से रानीखेत का, वो भी इन्होंने कराई थी और ये भी इन्होंने कराई, यहाँ से रानीखेत में मझखाली एक जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ से वहाँ तक का चार्ज उन्होंने किया 2500 रुपये जो बुक हुई है। वो गाड़ी आ गई है, उनको वेट करने के लिए बोला है, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे, ठीक है, तो वहाँ चलते हैं, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको रास्ते मिलेंगे या फिर वहाँ पहुँच के मिलेंगे, अगर रास्ते में शूट करेंगे तो रास्ते मिलेंगे। ब्रेकफास्ट में आज सिंपल पराठे, कल आलू के पराठे मंगाए थे, तो आज सफ़र है तो प्लेन पराठे मंगाए, बटर ले लेंगे, और ये आलू के गुटके हैं क्या, ऐसे सब्जी है, जीरा आलू है, ये मक्खियाँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा हैं, तो उनको लगातार उड़ाना पड़ता है, ऐसे ऐसे उड़ाना पड़ता है, ज़्यादा मक्खियाँ ना तो उनको लगातार हटाना पड़ता है, शायद ये बारिश ज़्यादा होती है या खेती ज़्यादा होती है, फ्रूट की वजह से, हाँ आड़ू है ना यहाँ, तो उस वजह से। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय आ गई है, और ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं फिर यहाँ से। कैसा लगा इस होम स्टे का? एक प्लस पॉइंट है मैं बता रहा हूँ, वो प्लस पॉइंट है यहाँ का खाना, ये होम स्टे जो है अर्जुन जी का, अर्जुन बिस्ट का, हमारा वहाँ नहीं हुआ था, फिर हमारा वहाँ नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ बुकिंग फुल थी, तो ये भी उनके रिलेटिव है, उनके कज़न यानी
नहीं उनके अंकल आंटी यानी चाचा चाचा जी, तो ये चाची जी बनाते हैं खाना और ये बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। अभी जो ब्रेकफास्ट बनाया ये आलू इतना टेस्टी है कि हमने इसको अभी तो खाया ही है, लंच के लिए बोल दिया कि हमें लंच में पैक कर दो, हम रास्ते में नहीं खा लेंगे। तो यहाँ का एक ये बड़ा प्लस पॉइंट है, ये खाना यहाँ बिल्कुल होम कुक्ड और बहुत टेस्टी, खाने के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। खाना होटल वाला खाना मज़ा नहीं आता, ये खाना क्योंकि इनका भी बिल्कुल रोड के साथ ही है, रूम ऊपर ही है, बहुत इजीली आप रोड पर ही है इनका, बिल्कुल रोड पर ही है इनका, बड़े इजीली और खाने में बहुत है, लेडीज़ नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और खाना तो इतने मन से खिलाती हैं, बहुत मन से खाने खिलाती हैं, मतलब खाने का तो लाजवाब है। खाने की तो तारीफ जितनी करेंगे उतना कम है, खाने में शिकायत नहीं हो सकती बिल्कुल भी। जगह तो आप देख रहे हैं, जगह तो है, जगह खूबसूरत, सिंपल ही खाना है बिल्कुल, दाल चावल रोटी सब्जी हम लोग ये खा रहे हैं, पर इतना खुश हो गए कि मतलब हमारी आत्मा तक तृप्त हो रही है खाने से। आपने खाने की तारीफ हो रही है, बढ़िया थैंक यू। खाना ये वहाँ बोलो, आप तुम बोलो, खाना जो ये जो खाने का राज है, तो ये खाना इसको बनाती हैं, जो जादू है वो इनके हाथों में, वो इनके हाथों में है। ये है अपना नाम क्या है, नीमा बेस्ट है और अर्जुन की चाची है। आप लोग अगर चाहेंगे तो आप उनको अर्जुन जी को बोल के इनके यहाँ रूम भी रूम में रोड सकते हैं, इनका बिल्कुल रूम बिल्कुल रोड के साथ है और बिल्कुल हेल्पफुल लेडी हैं, बहुत कॉपरेटिव, बहुत प्यारी भी हैं, बातचीत करने में भी बहुत अच्छी हैं, इनकी एक बेटी भी है बड़ी प्यारी सी, वो भी हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, तो हमें तो बिल्कुल घर जैसा, हमें तो ये फील ही नहीं हुआ कि हम कहीं बाहर आए। हाँ, आपको नंबर डाल देंगे अपने इसमें और आप इनसे कॉन्टेक्ट करके आना चाहते हैं तो आ भी सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नमक के लिए अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप इनसे कॉन्टेक्ट में कर लेना, हम इनका नंबर आपका डाल देंगे। थैंक यू, और मिलते हैं रास्ते में अगर शूट करेंगे तो, अदरवाइज वहाँ पहुँच के। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ये वाला दिनेश के गार्डन टूर का, आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।